press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच हुए मैच के बारे में। पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली का शुरुआत बहुत ही खराब रहा। पहले पृथ्वी शॉ, उसके बाद धवन स्वीप शॉट मारते हुए आउट हो गए। धवन बार बार स्वीप शॉट मारते हुए आउट हो रहे हैं, आज भी ऐसा ही हुआ। नवी ने शानदार बॉलिंग की, नवी ने दिल्ली की कमर तोड़ दी। श्रेयस अय्यर को छोड़कर दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। दिल्ली किसी तरह 129 रन बना पाया। स्लो पिच होने के कारण नवी और राशिद खान ने लाजवाब बॉलिंग की। दिल्ली के टारगेट के जवाब में हैदराबाद की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बैटिंग की और हैदराबाद ने 6 ओवर में ही 60 से ऊपर रन बना दिए थे। बाद में दिल्ली ने वार्नर और बेयरस्टो को आउट कर वापसी की, पर तब तक देर हो चुकी थी। दिल्ली ने आज बॉलिंग बहुत अच्छी की, पर आज दिल्ली के बल्लेबाजों ने निराश किया। लगता है दिल्ली अपने पिछले मैच से कुछ नहीं सीखा है, बार बार गलतियां कर रहा है और इन गलतियों को खत्म करना ही होगा। पंत और शिखर धवन आज फिर फ्लॉप रहे। दिल्ली की तरफ से राहुल तवतिया, अक्षर पटेल, संदीप लामिचाने ने अच्छी बॉलिंग की, फिर भी दिल्ली हार गया। अगर दिल्ली को आईपीएल जीतना है तो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। आज दिल्ली लगातार दूसरा मैच हारा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।